press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. पेमेंट है ना वो भी एक महीने छोड़ के एक महीने बाद दो महीने बाद ऐसे ही आती है सैलरी हर महीने परमानेंटली नहीं आती है। 3,000 रुपये हमारी महीने की सैलरी है, बाकी जो भी हम काम करते हैं वो हमारा वो इंसेंटिव होता है। 3,000 रुपये में हमें 12 काम करने पड़ते हैं, जिसमें हमें एरिया का हर महीने सर्वे करना होता है और बच्चों का इम्यूनाइजेशन मतलब 100% करवाना होता है। अगर वो नहीं हुआ तो उसमें से भी कट कहते हैं कि कट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारे कटे नहीं हैं। सर्वे के लिए सबसे पहले दिलशाद गार्डन का सर्वे मिला था हमें। इसके लिए ना हमें कोई ट्रेनिंग दी गई थी ना हमें बताया गया था कैसे काम करना है, बस ये था हमें इतना बताया गया था कि आपको जाना है और डोर टू डोर जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है। बस जिस दिन हमें बुलाया गया कि सर्वे के लिए आना है तो वहाँ डॉक्टर नागर वगैरह आए हुए थे वहाँ पर, उन्होंने हमें बताया, थोड़ा सा बताया कि आपको वहाँ कैसे जाना है, वहाँ किसी से बात नहीं कर, किसी की टच नहीं करना, रेलिंग को टच नहीं करना, ये सब चीज़ें बताई थी, तो हमें पहले पता ही दी थी। तो सबसे बड़ी बात थी ये थी कि हमें धूप में काम इतना करना पड़ रहा था, काफ़ी धूप था उस टाइम में, और किसी चीज़ को बिना टच करे इंसान को बुलाना बाहर आवाज़ दे दे के, कोई ना सुने तब भी बुलाते ही रहना है, तीसरी मंजिल से आवाज़ दे के। अगर हम हाथ टच तो कर नहीं सकते थे, हम अगर पैर से खटखट नॉक कर रहे हैं वहाँ, तो वहाँ के जो और पब्लिक थी वो कि तुम नॉक पैर से क्यों कर रहे हो, आवाज़ दे के बुलाओ, लोगों का भी हमें झेलना पड़ता था वहाँ। हाँ, और एक गली में तो काफ़ी बहुत बहस हो गया था, पूरी गली इकट्ठी हो गई थी, हमें बिल्कुल सर्वे करने से बिल्कुल मना करवा दिया था कि सर्वे करवाना ही नहीं हमें पूरी गली को, क्योंकि ये NRC का सर्वे हो रहा है, कोविड का हो रहा है, मतलब इस तरह से भेदभाव हमारे साथ करा जा रहा था कि आप लोग को क्यों सर्वे कराया जा रहा है, आपका पूरा टीम वर्कर कहाँ है, WHO नहीं है आपके साथ में, और इतनी पतली गली है कि एक से एक को टच करे बिना वहाँ से ना तो बंदा निकल सकता। तो आप लोगों ने एक एक घर कवर किया ऐसी गलियों का, और इधर आप लोग बिना PPE किट के आते थे। जब ये दिलशाद गार्डन और HA ब्लॉक में जब सीमापुरी में जब हमसे सर्वे करवाया जा रहा था, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सामान नहीं था, हम लोग ऐसे ही जा रहे थे। जब मेरा मन कर रहा था कि मैं बिल्कुल छोड़ दूँ, क्योंकि उस टाइम बच्चे भी छोटे थे, मेरी पूरी फैमिली का डर था, मुझे भी अपना डर था कि अगर मुझे पॉजिटिव होगा तो फिर तो घर में सबको होना ही होना है, इस चीज़ का डर बहुत बड़ा था। मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ, कोई और है नहीं मेरे कि कोई बड़ा बच्चा हो घर में काम कर ले, सारा काम मुझे घर में सुबह करके जाना पड़ता है, दोपहर को फिर बच्ची छोटी है मेरी, उसको देखना पड़ता है आके, तो वो बहुत डर लगता था। बच्चों को छू भी नहीं सकते थे आके एकदम से, कि 3-4 घंटे 5 घंटे में हम आ रहे हैं, बच्चा आते ही गले से लगता है फौरन, तो ये भी नहीं कि हम अपने बच्चों को गले लगा लें आते ही। हमारी मांगे यही है कि हम लोग इतने दुख के समय में इमरजेंसी में इतना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं सर्वे में, तो ये हमारा कम से कम जॉब तो परमानेंट होना चाहिए, सैलरी बढ़ाई जाए, और हमें अगर सर्वे करवाया जाता है तो हमारी सुरक्षा के लिए भी कुछ किया जाए।